तरफ जहां सरकार किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है, समय पर ऋण जमा न होने की स्थिति में सरकार स्वयं किसानों का ऋण ब्याज जमा कर रही है, लेकिन तेंदुखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सहकारी समिति रामपुरा में एक किसान द्वारा ऋण जमा करने के बावजूद भी उसे डिफॉल्टर बना दिए जाने की स्थिति में किसान द्वारा पुलिस थाने तेंदुखेड़ा में सहकारी समिति रामपुरा के सेल्समैन मुलायम सिंह पटेल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ग्राम खमरिया ब्रांच के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठित कृषक दशरथ प्रसाद शर्मा ने सहकारी समिति रामपुरा से 16 अप्रैल 2018 में 76,350 रुपये का कर्ज लिया था, जिसे जमा करते हुए ऋण पुस्तिका में भी अंकित कराया और 437909 क्रमांक की रसीद भी प्राप्त की थी, लेकिन जब वह जिला सहकारी बैंक शाखा तेंदुखेड़ा पहुंचा तो शाखा प्रबंधक ने ऋण जमा न होने की जानकारी दी और डिफाल्टर की श्रेणी में आने को कहा। किसान दशरथ शर्मा सकते में आ गया। उसने सेल्समैन को राशि जमा करने की बात कही और सेल्समैन से चर्चा की। उसने राशि जमा होने की बात कही, लेकिन बैंक के ऋण खाते में राशि जमा नहीं होने की बात सुनकर सेल्समैन पिछले 15 दिन से घुमा रहा है और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उसने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें भी की, लेकिन कोई कार्रवाई निराकरण न होने पर उसने सेल्समैन मुलायम सिंह पटेल के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने भी शिकायत दर्ज कर मामला बैंक से संबंधित होने के कारण धारा 424 के तहत पैमाइश नालिस देकर मामले का निराकरण बैंक से ही कराने की सलाह दी है। हमारा नाम दशरथ प्रसाद शर्मा, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री छोटेलाल शर्मा। हम ग्राम खमरिया तहसील तेंदुखेड़ा जिला नरसिंहपुर के निवासी हैं। हमने सोसाइटी से ऋण लिया था और ऋण चुकाने के लिए हमने जमा किया 14/6 में एक किस्त जमा करी, कुछ बकाया था 16/4 में जमा किया। जब और उसके बाद 16/4 में जमा करने के बाद 26/4 में हमको ऋण दोबारा मिल गया 63,000 की एक किस्त। वो किस्त हम जमा कर रहे थे तो हमको बताया सेल्समैन ने कि माफ़ी है इसलिए जमा ना करो, तो हम नहीं कर पाए। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी का ऋण माफ़ी का मतलब आदेश मिला तो हम राशि जमा करने 16/4 में गए, 16/4/23 में जमा करने गए तो वहाँ मैनेजर साहब ने मुझे डिफाल्टर घोषित किया कि तुम्हारा पुराना पैसा बकाया है इसलिए ये पैसे जमा नहीं। मैंने तत्काल कंप्यूटर से मतलब नकल निकलवाई, उसमें देखा तो एक किस्त जमा है दूसरी किस्त जमा नहीं है। उसी समय मैनेजर साहब तिवारी जी ने सेल्समैन से बात की मुलायम सिंह से, तो मुलायम सिंह ने एक फर्जी दस्तावेज मोबाइल पर भेज दिया मेरे सामने की बात हो, तो मेरे पास वो भी है। इसकी शिकायत आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को की है? हाँ, इसकी शिकायत मैंने भोपाल तिवारी जी को की है और तिवारी जी ने कहा था कि नरसिंहपुर शिकायत करूँ, तो नरसिंहपुर में हमारे बालक ने शिकायत की थी। कौन सी शिकायत की थी? वहाँ से। और उसके बाद ये तिवारी जी ने कहा था कि एक हमको दो आपका आवेदन, तो हमने तिवारी जी को दिया और उन्होंने कहा था कि 8 दिन का समय, उसके बाद आप जो कार्रवाई चाहें वो कर सकते हैं। तो उनसे भी हमने चर्चा करी। उसके बाद नरसिंहपुर से अधिकारी आए थे 36/6 आए थे, अभी ही हैं ऐसा कुछ है। तो उनने बोल बोल कर उसके बाद कहा कि हम शुक्रवार शनिवार में आएंगे, और न शुक्रवार शनिवार में आए तो हमको मजबूरन फिर दूसरा कदम उठाना पड़ा FIR का, और SDM साहब को भी हमने दे दिया है आवेदन, और FIR की नकल। हम कल जब तिवारी जी के पास गए तो बोले यार वहाँ साहब एक काम करते, इसकी जानकारी अधिकारी जो आए थे उनने बना के बड़े अधिकारी को दे दी है। हमने कब तक हम इंतजार करें, कब तक इंतजार करें, हम कितने दिन चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा हमने उनसे कह के। और हम अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं कि हम को जो परेशान विभाग कर रहा है सोसाइटी रामपुरा और सोसाइटी तेंदुखेड़ा जो परेशान कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारी राशि ब्याज सहित हमको जमा की जाए, तो हम संतुष्ट होंगे, नहीं हम संतुष्ट नहीं होंगे। रामपुरा सोसाइटी का एक मामला आया है, एक कृषक के द्वारा राशि जमा की गई और वो जमा नहीं बता रही है, तो इसमें कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कृषक की शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई है,
और जो कृषक की जो शिकायत कृषक के द्वारा दो राशियां वर्ष 2018 में 63,000 और 71,000 समिति कार्यालय में जमा की गई थी, उसमें जो 63,000 की राशि बैंक शाखा में समिति के द्वारा जमा है, 76,000 रुपये की जो राशि है उसका बैंक शाखा में कोई जमा होना प्रदर्शित नहीं हो रहा। इस मामले में सर कोई जांच वगैरह सब जो कृषक द्वारा जो भी शिकायत बैंक शाखा में दी हुई है उसको तत्काल समिति के प्रशासक को अवगत करा दिया है और समिति के प्रशासक अपने उच्च अधिकारियों को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।